फिर साइंस फ्रॉम अंकुर बेला में एक नया टॉपिक फोर्स वर्सेस प्रेशर। बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं ये फोर्स और प्रेशर, और ऑर्डिनरीली हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंटरचेंजली हम लोग यूज करते हैं अपने आम जीवन में, जिनका प्रैक्टिकल हमको पता है कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है कि प्रेशर लग रहा है, इसका कोई भी वो नहीं है, कुछ नहीं पता है कि कहाँ पे क्या लग रहा है, लेकिन सिर्फ ये बोल देते हैं कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया। और अल्टीमेटली यही होता है कि वो प्रेशर की जगह पे फोर्स बोल देते हैं, फोर्स की जगह प्रेशर बोल देते हैं, या अमूमन सारी की सारी जगहों पर हम फोर्स ही बोल देते हैं। बेसिकली फोर्स की जो डेफिनेशन है वो है अ फोर्स इज कॉल्ड विच कैन पुश और पुल। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज स्टेट। कल जैसा कि हम लोगों ने स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में थोड़ा सा देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत। तीसरी चीज है फोर्स शेप और साइज को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, या दोनों में से किसी भी एक चीज को चेंज कर सकता है, या दोनों ही चीजों को चेंज कर सकता है। प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, और ये उसका फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स हम लगाते हैं पर्टिकुलरली वो किसी एरिया पर लगता है तब जाके वो प्रेशर कहलाता है। अदरवाइज जैसे कि ये बोला जाता है कि हमने फोर्स लगाया प्रेशर लगाया, तो वो तो यहाँ डेफिनेशन से इस वाले फॉर्मूले से भी क्लियर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स लगेगा, बट एक्चुअली में फोर्स कहाँ लगना है और प्रेशर कहाँ लगना है वो आज हम जानेंगे एग्जाम्पल से और उनके एक्सप्लेनेशन से। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर पोर्टर का लिखा गया है, जो एक पोर्टर यहाँ बनाया, पोर्टर यानी कुली। इस कुली को देखिए, इसने अपने सर पर यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है, बैग वन, एक और छोटा बैग उससे ऊपर रखा हुआ है, बैग टू। ये यहाँ पर खड़ा है या यहाँ पर चल रहा है, दोनों ही केस में अगर इसने सामान उठाया है तो अभी ये खड़ा है, उसके बाद ये चलेगा। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो किसी भी कुली के सर पे यहाँ पर एक ये कपड़ा वो रखते हैं, वो कपड़ा उनका शौक नहीं होता है या वो कपड़ा उनका पसीना पोंछने के लिए नहीं होता है, बेसिकली वो कपड़ा यहाँ पर इसलिए होता है ताकि ये जो एरिया है यहाँ पर ये बढ़ जाए। किसी का भी सर गोल होता है, अगर वो यहाँ पर कोई भी चीज रखेगा तो ये प्रेशर जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बहुत छोटा रहेगा, और जैसा कि वहां डेफिनेशन से क्लियर लिखा हुआ है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जितना कम होता जाएगा प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके सर पर इन दो बैग्स का जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये कपड़ा रखने की वजह से ये एरिया यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फोर्स उतना ही रहेगा लेकिन एरिया कम होने एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर जो इसके सर पर आने वाला है वो घट जाएगा। ठीक, यहां पर एरिया इंक्रीज कर जाएगा, इसके रिजल्ट में प्रेशर घट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा यहां लिखा हुआ है पेंसिल हिल। बच्चों ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो काइंडली कोप अप विद। ठीक है, ये एक लड़की की पेंसिल हिल सैंडल बनी है जिसकी ये बनी है पेंसिल हिल, और ये एक कह लेते हैं बेयर फुट है, नंगे पैर, या शू है या सैंडल है, फ्लैट सैंडल है या फ्लैट स्लीपर है, कुछ भी जो आप समझना चाहें। इस जगह पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा ये आपको कमेंट में बताना है, मैं आपके हेल्प के लिए बता देता हूं। यहां पर एरिया ऑफ इंपैक्ट जो है ये देखिए, ये एरिया काफी 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 कम है इसके कंपेरिजन में। ये ए वन है, ये ए टू है, यहां पर एरिया वन इज वेरी मच लेस देन इन कंपैरिजन टू एरिया टू। अगर एरिया वन इतना कम है और प्रेशर दोनों का सेम है, ए फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, तो आपको बताना है कि प्रेशर पी वन यहां पर लगेगा, पी टू यहां पर लगेगा, पी वन और पी टू में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा ये आपको कमेंट में बताना है आज का होमवर्क। इसके साथ ही तीसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं, ये एक बैलून बना हुआ है, इस बैलून पे अगर एक नीडल से पिंच करने की कोशिश करेंगे तो ये बैलून तुरंत ही फूट जाएगा।
लेकिन अगर किसी तलवार से धारदार तलवार हो उसके बाद भी उसे करेंगे उस पर प्रेशर डालेंगे तो इस तरीके से अगर करते हैं तो वो जल्दी नहीं फूटेगा, फूटेगा तब भी लेकिन यहां पर इन नो टाइम इसको टच करते ही फूट जाएगा, यहां पर इसको फूटने में टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर जो एरिया ऑफ इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ कॉम्पैक्ट इंपैक्ट ऑफ नीडिंग। ये ए वन है, यहाँ ए टू है, इस केस में ए वन बड़ा है ए टू छोटा है, फोर्स दोनों केस में हर जगह पे हम सेम रख के चल रहे हैं तो यहां पर प्रेशर जो है पी वन, यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा, प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए फोर्स सेम रखेंगे एरिया बड़ा हुआ है तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा कम, यहां पर हो जाएगा प्रेशर पी वन, यहां पर हो जाएगा प्रेशर टू, प्रेशर टू ज्यादा होने की वजह से ये जो बैलून है ये तुरंत ही फूट जाएगा। तो आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आज का होमवर्क जो दिया गया है इस वाले केस क्वेश्चन का हील वाले का पी वन में और पी टू में से कौन सा ज्यादा होगा वो भी जरूर बताएं।